अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत आफियत से होंगे। आज एक और फ्रेगरेंस आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ और वो है मुखल्लती मलकी। मुखल्लती मलकी जो है ये मुखल्लत डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, फॉर एग्जांपल ऊद, अंबर, मस्क, जब इसकी कम्बिनेशन बन जाती है तो इससे मुखल्लत, इसको मुखल्लत कहते हैं। डिफरेंट कम्बिनेशंस, मुख्तलिफ ऑयल्स की कम्बिनेशन को मुखल्लत कहते हैं। और मलकी जो है ये अरबिक वर्ड है, इसकी मीनिंग जो है वो शाही या रॉयल जो होते हैं, रॉयल लोग जो होते हैं, सुल्तान, बादशाह, उस ये खुशबू जो है ये भी उसी की तरह खुशबू है रॉयल लोगों के लिए। इसकी जो है फ्रेगरेंस है ये स्वीट खुशबू है। टाइप जो है, फैमिली इसकी अंबरी, वुडी अंबरी फ्रेगरेंस है। इसकी नोट्स में अगरवुड हैं, वो भी कंबोडियन, और दूसरी जो है ज़फ़रान है, और टर्की रोज़ है इसकी नोट्स में, टर्की रोज़। अंबर भी है इसकी नोट्स में, मस्क भी है, सैंडलवुड भी इसकी नोट्स में शामिल है इसकी खुशबू में। इसकी खुशबू की तरफ चलते हैं, मैं आपको इसकी मेन जो खुशबू, इसकी एकॉर्ड्स जो है, वो जो इसकी फ्रेगरेंस बनाते हैं, उसकी खुशबू के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। मुखल्लती मलकी, वैसे ये स्विस अरबियन की इम्प्रेशन है, स्विस अरबियन की मुखल्लती मलकी की उसकी इम्प्रेशन है, वो भी इसकी जब आप इसको फर्स्ट स्निफ लेते हैं इससे, तो फर्स्ट यू विल स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ रोज़ प्लस ज़फ़रान। रोज़ और ज़फ़रान की जो मिक्सचर है उसकी खुशबू आपको महसूस होगी जब फर्स्ट स्निफ में, जब आप इसको सबसे पहले इसको स्निफ करते हैं उस वक़्त। इफ़ यू लाइक द मिक्सचर ऑफ रोज़, ऊद एंड ज़फ़रान, देन यू गोना लव इट। दिस फ्रेगरेंस इज़ फॉर यू इफ़ यू लाइक दीज थ्री थिंग्स। और इसमें जो अगरवुड इस्तेमाल हुआ है वो भी कंबोडियन है, तो इसमें उस तरह कड़वापन नहीं है, स्वीटनेस है, बहुत ज़बरदस्त स्वीट खुशबू है ये मुखल्लती मलकी। इस तरह की खुशबू आपको अगर आप मदीना मक्का उधर चले गए तो वहाँ पे आपको इसकी खुशबू महसूस होगी। जब भी मैं किसी को भी देता हूँ तो वो लोग यही फीडबैक देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी है जब आप मदीना या मक्का उस तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रेगरेंस या जो खुशबू आप महसूस करते हैं, तो ये खुशबू उसी तरह की खुशबू है। इसमें अगर आप सिपारी के शौकीन हैं, सिपारी स्वीट, वो भी स्वीट सिपारी की जो सिपारी होती है उसकी शौकीन है, तो इसमें उसकी भी आपको थोड़ी बहुत टच महसूस होगी स्वीट सिपारी की। टर्किश रोज़, ज़फ़रान, ऊद और अंबर, इसकी एक ज़बरदस्त मिक्सचर, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, स्वीट खुशबू है ये। आप विंटर में लगा सकते हैं, विंटर के लिए है, लेकिन समर में भी आप लगा सकते हैं, बेसिकली ये है विंटर के लिए। तो और लास्टिंग जो है इसकी, लॉन्जिविटी इसकी ज़्यादा है, अच्छे हैं इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, तकरीबन 8+ आवर्स हैं, इससे आगे 10-12 तक पहुँच सकते हैं। सर्दियों में तो फिर बहुत ज़्यादा होता है इसकी लास्टिंग। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, अगर आप ज़्यादा लगा दें मुख्तलिफ़ जगहों पे सही तरीके से लगा दें तो ये काफ़ी 1-2 फुट तक इसकी प्रोजेक्शन होती है, लेकिन बशर्त ये कि आप ज़्यादा लगा दें। अगर आप सिर्फ 1-2 जगह पे लगा दें तो फिर ज़ाहिर है कि ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं होगी इसकी, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इसकी प्रोजेक्शन फिर ज़रूर होगी, सियाज भी होगा, लेकिन बशर्त ये कि आप ये ज़्यादा लगा लें। तो दोस्तों, ये हमारे पास दस्याब हैं, ये 12 ml जो हैं 1200 रुपये हैं। अगर आप इस बॉटल में लेना चाहते हैं तो ये इसकी प्राइस फिर 1400 रुपीज़ होगी। ये देखें, इसमें 6 ml, 3 ml भी आप ले सकते हैं। आप किसी भी अतर के शौकीन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच के शौकीन हैं, या स्प्रे टाइप जो फ्रेगरेंसेस होते हैं उसके शौकीन हैं, तब भी आप ये ज़रूर एक दफ़ा यूज़ कर लें, बहुत प्यारी और स्वीट खुशबू है ये आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इससे इनकार नहीं किया है कि ये मुझे पसंद नहीं है। यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं।
ये आप जाय नमाज पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको जाय नमाज जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक खूबसूरत और प्यारी सी अरोमा क्रिएट करेगी ये आपके लिए, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। स्पेसिफ़िकली अगर आप ये मखलती मल की जुम्मे की नमाज के लिए लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आपको मिलेगी इसकी, मस्जिद में भी लोगों को अच्छा महसूस होगा क्योंकि बहुत स्वीट और। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।